नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान ने 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे यानी कि रक्षा दिवस मनाया। इस मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को धमकी दी है। जनरल बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान की रक्षा में लगे हर सैनिक की कुर्बानी के मायने हैं। बाजवा ने कहा है कि वे बॉर्डर पर बहे खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाक आज तक इस बात को नहीं मानता है, उसे इस युद्ध में हार मिली थी। 6 सितंबर यानी जिस दिन युद्ध खत्म हुआ था, उस मौके को पाक में डिफेंस डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन साल 2014 में पाक इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर मनाने लगा है। रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर्स पर 6 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इमरान खान समेत पाक नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद थे। जनरल बाजवा ने कार्यक्रम में कहा, आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये सबूत है कि आप पाकिस्तान की रक्षा में हमारी कोशिशों में एक साथ हैं। बाजवा ने कहा कि 6 सितंबर 1965 हमारे देश के इतिहास में एक अहम दिन है। ये वो दिन है जब हमारी सेनाओं ने देश की मदद से एक बुराई को हराया था। बाजवा ने कहा कि 65 की जंग में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए और घायल हुए थे। इसके बाद उन्होंने कहा, बॉर्डर पर बहे हर खून के हर कतरे का हिसाब हम लेकर रहेंगे।